गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? मुझे पूर्ण आशा है कि आप सभी डॉक्टर द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दी हैं उनका पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे। मैं ओपी शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, रियल लाइफ कोच, आपके सामने रूबरू हो रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए हृष्ट पुष्ट चैनल के माध्यम से। जो टॉपिक है प्रेजेंट हालात में, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। टॉपिक का नाम है काजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन। डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं, जिन हालातों में, जिन कारणों में ये डिप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, वो मौजूदा समय में जबकि COVID-19 अपना पूरा यौवन दिखा रहा है, चांसेस ज्यादा है। अगर हम अपनी इम्यूनिटी बनाए रखना चाहते हैं, शारीरिक ताकत बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारी नींद का होना बहुत ही जरूरी है। आज हम COVID-19 के कारण हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। हम ये इसके अलावा हमारे शरीर प्रॉब्लम्स हैं, दिमाग में प्रॉब्लम्स हैं, इसके अलावा जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी डिस्टर्ब है, क्योंकि ना तो अच्छी तरह से काम चल रहा है, ना इकोनॉमी काम कर रही है, ना हालात हैं, ज़्यादातर जो है लॉकडाउन रहता है। हमारे इसमें शक नहीं कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पूरी कोशिश कर रही है कि हम इस नाजुक समय से बाहर निकल के आए, पर उनकी कोशिश करने के बावजूद भी हम इस परिस्थिति से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल सकते। इंडिया की बात ही ना करें, हम जब हम फॉरेन कंट्री की भी बात करते हैं तो उनमें भी जो स्थिति है नाजुक है, इतनी अच्छी नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। अब जो इफेक्टेड लोग हैं, इफेक्टेड होने के कारण दुखी हैं, जिसके ऊपर ये बीमारी पड़ी हुई होती है, जिसके ऊपर प्रॉब्लम होती है, जिसको हॉस्पिटल्स में घूमना जाना पड़ता है, और हॉस्पिटल में जाने पर भी वहाँ पूरे अरेंजमेंट नहीं होने के कारण, ऑक्सीजन का अरेंजमेंट पूरी तरह से नहीं होने के कारण, डॉक्टर्स पूरी मात्रा में नहीं होने के कारण प्रॉब्लम जो है। और जब उनकी प्रॉब्लम्स को दूसरे देखते हैं तो वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी तरह से लोग दुखी होते हैं। भारत में एक सर्वे के से पता चला है कि यहाँ ये डिप्रेशन की बीमारी ज़्यादा है, जितनी बीमारियाँ दूसरी हैं इसी तरह से ये जो डिप्रेशन की बीमारी जो है वो इंडिया में है। अब इस खतरनाक बीमारी को डिप्रेशन का नाम दिया गया है। इसकी पहचान इस तरह के लक्षणों से की जा सकती है। इसमें प्रायः हमारा मन उदास रहता है। सबसे ज़्यादा जो पहचान है इसमें वो है हमारा मन उदास रहता है। अगर किसी तरह की का आर्थिक नुकसान हो गया है या किसी प्रियजन की मौत हो गई है
या उसका कोई बिछड़ गया है या कोई और दुख पैदा करने वाली स्थिति है, मन उदास होता है, तो ये समझा जा सकता है। इन परिस्थितियों के कारण अगर मन दुखी है तो ये समझा जा सकता है, ये माना जा सकता है, पर ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है, पर फिर भी हमारा मन उदास रहता है, तो यह सोचने का विषय बन जाता है। और अगर तो समय रहते उदासी दूर हो जाती है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग 2 सप्ताह तक अगर उदासी दूर हो जाती है जो किसी कारण से है तो घबराने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये उदासी 2 सप्ताह से ज़्यादा चलती है, खत्म नहीं होती, तो ये चिंता का विषय है और इस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अगर साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है तो साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पाया जा सके। एक खास पहचान इस व्यक्ति की यह भी है कि ऐसे व्यक्ति कि किसी भी बात में दिलचस्पी नहीं होती, ना तो वह किसी खुशी के समय में खुश होता है और ना गमी के समय में गमी में होता है, वो एक ही स्थिति में होता है और वह स्थिति है कि वो उदास रहता है। अब इसकी जो दुखी और गमगीन रहता है, अब गिल्टी फीलिंग, इसमें क्या क्या पहचान दूसरी होती है कि इसमें गिल्टी फीलिंग होती है, ये हमेशा अपने आप को दोषी समझता रहता है, चाहे इसमें इसका कोई दोष है या दोष नहीं है, ये अपने आप को दोषी समझता रहता है। ये कहता है कि ये गिल्टी है, इसने ये गलती की है, और नहीं बताने के बाद भी ये अब अपने अपने आप में कुड़ता रहता है, जिसका उसे कोई हल नजर नहीं आता जब तक तो कोई उसकी मदद नहीं करता। आगे है, वो ऑलवेज फील टायर्ड। अब जो वो अननेसेसरी नेगेटिव थॉट्स दिमाग में रखेगा, अलग अलग तरह के यूजलेस जो थॉट्स हैं वो दिमाग में रखेगा, तो ऐसे थॉट्स रखने के कारण वो हर समय थकावट फील करेगा, लगेगा वो थका थका महसूस करेगा। वो किसी भी विषय पर कंसेंट्रेट नहीं कर सकेगा। कंसेंट्रेट कैसे करेगा जबकि उसमें अलग अलग तरह के नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में स्ट्राइक कर रहे हैं, जो सोचने वाली चीज है उस पर वो कंसेंट्रेट नहीं कर रहा, वैसे ही उसके अननेसेसरी विचार चलते रहेंगे तो फिर वो कैसे कंसेंट्रेट कर सकेगा। अब जब ऐसी चीजें होंगी तो लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा, क्योंकि जब वो अननेसेसरी सोचता रहेगा तो उसका खाना भी नहीं पचेगा, उसको भूख भी नहीं लगेगी, जब भूख नहीं लगेगी तो उसकी लाजमी बात है कि उसमें कमजोरी आती जाएगी, तो जब कमजोरी आती जाएगी तो फिर वो कैसे किसी समस्या से जूझ सकेगा, उसका हल कर सकेगा। इसके अलावा जो मेन जो चीज है जो इसमें डिप्रेशन में ज्यादा काम करती है वो है इम्प्रॉपर स्लीप। जब वो अननेसेसरी थॉट्स, अननेसेसरी चीजें, नेगेटिव चीजें दिमाग में सोचता रहेगा, करता रहेगा, तो फिर वह कैसे उसको नींद आएगी, जब नींद आने लगेगी तो उसके 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 मन में नेगेटिव ख्याल, बुरे बुरे ख्याल उसमें आने शुरू हो जाएंगे, जिसके आने के कारण उसकी नींद जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। जब ये सब दोष हम में आ जाते हैं तो मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। हमारे मन में बहुत से नेगेटिव विचार आ जाते हैं हम खुद, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हम बहुत ही ड्रास्टिक, बहुत ही गलत स्टेप, खुदकशी तक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सभी तरफ से अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, किसी भी तरफ से कोई भी रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे लगता है कि स्थिति से बाहर निकलना अब
हमारे बस की बात नहीं है, और ना ही इसे कोई उसकी कोई मदद कर सकता है, ना ही कोई इस अवस्था से निकाल सकता है। और इसके लिए इसका हल खुदकशी के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके बारे में सोचने लग जाता है कई बार, अगर ध्यान ना दिया जाए तो इसके बहुत ही भयंकर परिणाम निकल सकते हैं, वो खुदकशी तक कर सकता है। अब हमने पता करना है कि ये डिप्रेशन के क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है बायोलॉजिकल, हमारे शरीर के कारण। इसके लिए हमें मेडिसिन और मेडिकल एड और प्रॉपर डॉक्टर की जरूरत होती है, जो हमारी अवस्था देखकर हमें डायग्नोज करता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें इलाज करना पड़ता है। दूसरा है साइकोलॉजिस्ट, जस्ट अगर हमारी प्रॉब्लम बायोलॉजिकल होने के अलावा, जब बायोलॉजिकल होने के साथ साथ साइकोलॉजी की भी है, तो इस कंडीशन में हमें साइकोलॉजिस्ट के साथ के पास जाना पड़ेगा, और जैसे जैसे वो हदायतें देगा उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। अब जो है कि डिप्रेशन कई तरह का होता है। अब डिप्रेशन हम सोचें एक तरह का होता है, एक तरह का नहीं होता, अलग अलग तरह का होता है। अब जो डॉक्टर्स को हम दिखाते हैं तो वो देखता है कि किस तरह का इसका डिप्रेशन है, जैसा डिप्रेशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको डायग्नोज करता है। इसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी इसी तरह से काम करता है। अभी जो है स्विंग ऑफ मूड, जो पेशेंट का या जो हमारा जो मूड होता है वो स्विंग करता है। कभी तो बड़ा बहुत खुश होगा, कभी बहुत गमी में होगा, कभी गाने गाएगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। इसको स्विंग और मूड कहते हैं। दूसरा है मेजर डिप्रेशन। जब वो मेजर डिप्रेशन में चला गया है, टाइमली डायग्नोज नहीं हो सका, टाइमली घर वालों ने नहीं देखा, टाइमली दोस्तों ने नहीं देखा, तो वो जाते जाते जो है मेजर डिप्रेशन में चला गया। ऐसी कंडीशन में वो खुश नहीं होगा, ऐसी कंडीशन में वो दुखी ही होगा। पर जब उसको डॉक्टर्स के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर डायग्नोज करेगा, क्योंकि अब साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब पहले वाली बात नहीं है। अब डिप्रेशन का बड़ी अच्छी तरह से इलाज हो सकता है, लेकिन इसकी कंडीशन है कि जितनी जल्दी ये डायग्नोज हो जाए, जितनी जल्दी डॉक्टर के पास जाया जाए, उतना ही अच्छा है। डिप्रेशन डिसऑर्डर, डिप्रेशन डिसऑर्डर हो में होता है, अभी डिप्रेशन है अभी ठीक है, अभी डिप्रेशन है अभी ठीक है। पीरियड डिप्रेशन ये ज्यादातर लेडीज में होता है, जब उनको पीरियड आते हैं, मेनोपॉज पीरियड होता है, तो इस पीरियड में ये जो डिप्रेशन पीरियड डिप्रेशन होता है, इस डिप्रेशन में जो लेडीज हैं वो काफी डिफिकल्टी से निकलते हैं। पर अगर डॉक्टर के साथ डायग्नोज कर लिया जाता है, डॉक्टर के साथ मिल लिया जाता है, तो इससे बचा जा सकता है। अब कई बार हम ऐसे होता है कि मेडिसिन लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मेडिकेशन करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन हम ले लेते हैं। ज्यादा मेडिसिन लेने के कारण भी डिप्रेशन हो जाता है, उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है। अब जब हम जानते हैं कि मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त
और सबसे अच्छा दुश्मन है। हमें यह समझना चाहिए कि डिप्रेशन भी दूसरी बीमारियों की तरह जितना जल्दी इसके सिम्टम्स नजर आ जाएं, अगर हम डॉक्टर के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जिसकी भी जरूरत है या काउंसलर के पास हम चले जाते हैं, हमारे ठीक होने के चांसेस उतने ही ज्यादा और उतने ही जल्दी हो जाते हैं। हमें जब भी अपने नजदीक में, अपने परिवार में, अपने नजदीक में, कहीं भी सोसाइटी में कोई ऐसा व्यक्ति नजर आ जाए जिसमें हमें ये सिम्टम नजर आए, तो हम कोशिश करें कि फैमिली को या दूसरों को बताएं कि इसको डॉक्टर्स को दिखा लें तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे मरीज को जब कोई पढ़ने के लिए भी चीज़ दी जाती है तो ये ख्याल रखना पड़ता है कि इसमें नेगेटिव थॉट्स वाले, नेगेटिव थीम्स वाले लिटरेचर तो नहीं है। अगर ऐसा है तो उसे ये नहीं देना है, उसे पॉजिटिव थीम्स, पॉजिटिव लिटरेचर वाले ही बुक्स देनी है, पॉजिटिव चीज़ें ही उसे देनी है। इसके अलावा एक अच्छा डॉक्टर या समझदार साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर जितनी जल्दी अगर हमें ये मिल जाते हैं, उतनी जल्दी जो पेशेंट है वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। बाकी इससे पहले कि डिप्रेशन पर इस पर हैवी हो जाए, अगर इसको किसी तरह से मेडिटेशन करवाने के लिए राजी कर लिया जाता है या ये मेडिटेशन करता है, या इसके ऐसे दोस्त बन जाते हैं या जो हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं, तो उसके साथ ये टेलीफोनिक कॉल करें, डिस्कशन करें, वे घर पर आकर भी बातें कर सकते हैं। अगर उसको पॉजिटिव थॉट्स वाले फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तब भी उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकलना आसान हो जाता है। ये जो डिप्रेशन है, जरूरी नहीं है कि कोई खास सर्कमस्टांसेस हो, खास तरह की प्रॉब्लम्स हो, तभी हो। ये नॉर्मल हालात में भी हो सकता है, बिना किसी कारण के, कोई कारण नजर नहीं आएगा। अगर बिना किसी कारण के आप किसी दोस्त को, मित्र को, ब्रदर को, किसी को भी देखते हो कि वो लगातार 2 महीने तक, दो सप्ताह तक वो डिप्रेस रहता है, तो ऐसी कंडीशन में कोशिश करनी चाहिए कि उसे अच्छे डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना जरूरी है। अगर वो समय से चला जाता है तो उसके सभी मसले हल हो जाते हैं। अब पहले वाली बात नहीं है कि डिप्रेशन हो गया या कोई प्रॉब्लम होगी उसका हल नहीं है, अब हर चीज़ का हल है। जरूरत है कि समय से हम इसे पहचाने और उस स्पेशलिस्ट के पास हम जा सकें। धन्यवाद।